नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद वर्णवाल और चलिए शुरू करते हैं अपनी जो सीरीज रेगुलर चल रही है जिसमें हम लोग सीएसएल का जो डिस्कशन है वो कर रहे थे। हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है दयानंद इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अभी इसे 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाना है तो इसमें आपका सहयोग अतुलनीय है। बिल्कुल, आप अपना जो भी सहयोग बनता है आप कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना जो चैनल शुरू कर रहे थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले उसमें हम लोग सिंपली सीएसएल का जो है 16 अप्रैल को यानी 16 अप्रैल को जो सवाल सारे पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो सब डिस्कस करने से पहले मैं आप के सामने जो बताना चाहता हूँ कि अगर आप बस आपको जो हमारा वीडियो सोल्यूशन है वो आपको हमारा दयानंद इंग्लिश यूट्यूब चैनल है उसमें जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग 50-75 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इन डिटेल में हम लोग जाएंगे तो लगभग इसमें आपको 200 से 300 वर्ड के आसपास आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल एक्चुअली हमें सीखना है। बाकी बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, जो जो पहले शुरू में बताना चाहता हूँ तो हम एक एक टर्म करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सिनोनिम्स में क्या क्या सवाल बने तो उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, देखिए सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो सिनोनिम में सबसे पहले पूछा गया था कि प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, देखिए पेन चलता है तो इस्तेमाल करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, अक्सर धोखा दे देता है, चलता नहीं है, देखिए चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए हम लोग जो आज वर्ड जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग प्रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग का जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट मतलब क्या, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, तो प्रेसिडेंट मतलब होता है एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक मॉडल के तौर पर जिसको बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो सकता है मॉडल, हो सकता है एग्जाम्पलर बोल सकते हैं, आप एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी पैराडिग्म अच्छा वर्ड है आपके सामने, याद रखिएगा। बाकी कोई भी वर्ड नॉर्मली आप याद रख सकते हैं, इंस्टेंट और एग्जाम्पल ऐसा कुछ है नहीं। देखिए ट्रांजिट मतलब क्या होता है, क्षणिक होता है। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, क्षणिक होता है, यानी मोमेंटारी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसमें दो तीन वर्ड और लिखाता हूँ आपके लिए। एक वर्ड आप लिखिएगा फ्लिटिंग, क्या लिखिएगा, फ्लिटिंग, FLEETING, फ्लिटिंग। ये फ्लिटिंग जो सवाल है उसी जैसे 2018 का सवाल है जो इसमें अर्थ दिया था, मोमेंटारी हो गया, टेम्पोरारी याद रखिएगा, टेम्पोरारी। देखिए टेम्पोरेरी सही स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन टेम्पोरेरी, लेकिन मैं टेम्पोरारी जानबूझकर पढ़ रहा हूँ ताकि RARY आपको याद रहे, क्या रहेगा, RARY, क्योंकि स्पेलिंग इरर को भी हमें सीखते चलना है। ठीक है, टेम्पोरारी। हाँ, अगर आपको स्पेलिंग इरर से संबंधित इरर है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट करें, सर हमें स्पेलिंग रूरल ट्रिक की जो PDF है वो चाहिए, वो आपको मिलेगी और आप उसे बिल्कुल, आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं होगा, आप हर चीज़ को सीख पाएंगे, कोई चीज़ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्या क्या ऐसा वर्ड है। देखिए एक सवाल ऐसे ऐसा पूछा गया था। अच्छा, इसमें मैं आपको ना दो चीज़ बताना चाहता हूँ। आप पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो फुल लिखा हुआ है ना वो FUL है, सिंगल यल है, डबल यल नहीं है। इस बार CHSL 2000 नहीं, CHSL नहीं, CGL 2020 का जो उसली हो चुका है उसमें एक सवाल पूछा था जिसमें FULL कर दिया गया था। तो एग्जाम्पल यदि आप दिमाग कंठस्थ रखिएगा कि FUL होता है, FULL नहीं होता है, ठीक है, तो कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्पेलिंग रेट में सवाल बना है FULL, तो LL नहीं होता है, सिंगल यल होता है। देखिएगा यहाँ पर जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे सब में सिंगल यल है। अच्छा, इसमें मैं बहुत सारा सवाल लिया, आप देख रहे होंगे कि सब में फुल फुल लगा है, तो मैं ये सब क्यों लिया हूँ। तो ये सब लेने का कारण यही है कि ये सारे सवाल SSC का पूछा हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल इसको इग्नोर ना कीजिए, ये सारे सवाल SSC के पूछे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब मिलते जुलते वर्ड आते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि इसका कौन सा अर्थ है। देखिए विस्टफुल मतलब क्या होता है, पूछा हुआ है, विस्टफुल का पूछा हुआ था, तो विस्टफुल के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी अभी तक नहीं लिखा। ठीक है, तो विस्टफुल के बारे में कुछ नहीं, क्यों नहीं लिखा भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे कि विस्टफुल क्या होता है, ठीक है, तो विस्टफुल थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा, बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन विस्टफुल का याद रखिएगा कि विस्टफुल मतलब होता है सैड, ठीक है, उदास महसूस करना, फीलिंग सैड। विस्टफुल का मतलब क्या याद रखेंगे, फीलिंग सैड। अच्छा, पेन चल नहीं रहा तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पेन नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये माउस है जिसके बदौलत मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पेन मेरे पास एक दो दिन में आएगा, उसके बाद मैं अच्छा PDF आपके सामने रख पाऊंगा। ठीक है, तो जब तक मैनेज कीजिए, है ना। ठीक है, देख विस्टफुल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि विस्टफुल मतलब क्या होता है, मतलब सैड, नाराज महसूस करना। अच्छा, ये सारा सवाल ना पूछा हुआ है। देखिए विलफुल मतलब क्या होता है, विलफुल, विलफुल मतलब विम्सिकल, विम्सिकल मतलब क्या होता है, मजाकिया, विम्सिकल मतलब क्या होता है, मजाकिया। देखिए स्लोथफुल मतलब क्या होता है, लेजी, आलसी जिसको बोलते, बोलेंगे बहुत स्लोथफुल हो, मतलब लेजी बोलेंगे। अच्छा, एक वर्ड आपके सामने आ रहा होगा कि सर SL वो THE होता है, तो क्या ई गायब हो गया, हाँ बिल्कुल ई गायब हो गया। देखिए लॉथफुल मतलब क्या होता है, लॉथ में ई होता है, लेकिन ई गायब हो गया, और चूंकि सिंगल ईयर स्पेलिंग ईयर भी नहीं गड़बड़ाना है। ठीक है, लॉथफुल ये पूछा हुआ सवाल है इस पे का, ठीक है, किस एग्जाम पता नहीं, लेकिन L वो THE दे दिया था और FUL दिया था। ठीक है, एक आर्टफुल भी है शायद, आगे होगा तो मैं बताता हूँ आपको, ये हटाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, देखिए
कहाँ भागते हो भाई, आ जाओ। देखिए अच्छा, इसके बाद 8 फुल तो होना चाहिए ना, 8 फुल कैसे छूट सकता है। एक 8 फुल छूट गया है जो स्पेलिंग एरर से संबंधित सवाल था। बाकी देखिए, लोथफुल मतलब घृणात्मक होता है, आबादा रखिएगा। देखिए बेसफुल मतलब क्या होता है, बेसफुल मतलब क्या, साय, शर्मिंदा महसूस करना, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना। बेसफुल, ब्लिसफुल मतलब ऑब्वियसली जॉयफुल, जब आप बहुत खुश होते। ब्लिसफुल, ग्रेसफुल क्या बताना है इसमें, बहुत दयालुता होना, ठीक है, ह्यूमेनिटी होना। टैक्टफुल, बहुत अच्छा वर्ड। अच्छा 8 फुल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 8 फुल मना स्पेलिंग एरर से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, जिसमें 8 फुल में FUL कर दिया गया था, और लोथफुल में क्या किया था, एल वो ये TH EFUL किया गया था। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए टैक्टफुल हो गया, डिस्क्रीट याद रखिएगा, 8 फुल होता है। बेलफुल मतलब क्या होता है सर जी, डेंजरस होता है। देखिए दिमाग में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन याद रखना है, बेलफुल मतलब क्या होता है, डेंजरस होता है। चलिए एक बार मेरे सामने ना आप रिवाइज कीजिए। विस्टफुल मतलब मैंने क्या बताया था, सैड बताया था। विलफुल मतलब क्या बताया था, विम सीकर बनाया था। स्लोथफुल मतलब क्या बताया था, आलसी बताया था। लोथफुल मतलब क्या बताया था, घृणात्मक बताया था। बेसफुल मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। ब्लिसफुल मतलब जुआयस, और एक था बेलफुल। बेलफुल मतलब क्या होता है, डेंजरस। और टैक्टफुल मतलब क्या होता है, 8 फुल बोलिए, फिर डिस्क्रीट बोलिए। तो चलिए ये सब चीज़ों को ना आप अच्छे से याद रखिए, कन्फ्यूजन को ना अवॉइड करना है, कन्फ्यूजन में प्रैक्टिस करते रहनी है। आप इस PDF को हमेशा के लिए रखिए, प्रिंट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कोई PDF, ठीक है। ब्लिदफुल ओबियसली नाराजगी भरा होता है, ठीक है, ब्लिदफुल याद रखिएगा। फिटफुल, फिटफुल हाल ही में पूछा गया सवाल है। फिटफुल जो है वो CHSL का पूरा या सवाल है, हाल ही का है ना, 2020 का होगा या 2019 का, कंठस्थ नहीं हूँ मैं अभी, लेकिन याद रखिएगा। फिटफुल बोलिए, जिसका मतलब था इरेगुलर। देखिए फिट का मतलब याद आता होगा कि सर जी, फिट का मतलब होता है फिट, फुल। फिटफुल मतलब क्या हो गया कि मतलब फिट होना, ठीक है, फिट मतलब फिट होना, फिटफुल फिट है, लेकिन फिटफुल मतलब क्या हो गया, इरेगुलर होना। देखिए कुछ उल्टा सुल्टा अर्थ दे दिया है ना, जो अर्थ एक्चुअली होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो फिटफुल मतलब क्या होता है, इरे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फिटफुल मतलब इरेगुलर, ठीक है। अच्छा ब्लिथफुल का आप एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा। ब्लिथफुल मतलब भी जोयस होता है, यानी खुश होना, ठीक है, फुल ऑफ गाइटी जिसको बोलते हैं। ब्लिथफुल मतलब क्या होता है, खुश होना। और एक यहाँ पर क्या आया था सर जी, ब्लिसफुल आया था। ब्लिसफुल का मतलब भी जॉयफुल होता है, और एक आ रखेगा ब्लिथफुल, यानी ब्लिसफुल ब्लिथफुल दोनों का मतलब क्या है, जॉयस है। और पूछे बेलफुल मतलब डेंजरस, और बेसफुल मतलब क्या है सर, साय है, साय, ठीक, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ब्लैंड, ब्लैंड मतलब क्या होता है, निस्वाद। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार। ब्लैंड अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। एक वो बैंड होता है, एक ब्लैंड, ब्लैंड बहुत बार, बेस्वाद जिसको बोलते हैं। देखिए फ्लेवरलेस याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेवरलेस। इंसिपिड बहुत बार पूछा गया सवाल है, इंसिपिड, ठीक है। सेवरलेस पूछा गया सवाल है। वैपिड, वैपिड तो आपको याद ही रखना चाहिए, वैपिड। वैपिड मतलब क्या होता है, बेस्वाद। इंसिपिड हो गया, सेवरलेस हो गया, वैपिड, इसमें जो ना दो तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। ये किधर भाग गया, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंसिपिड, वैपिड दो वर्ड याद रखने हैं, ब्लैंड तीसरा वर्ड, ये तीनों वर्ड तो याद रखने। चलिए देखिए इसका और भी अर्थ होता है, मेलिएबल बोलिए, टेंडर बोलिए, डाउनी बोलिए, स्टेल बोलिए, ये सब वर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा डाइवल्ज जो मतलब क्या होता है, खोद कर निकालना, कोई सच्चाई वगैरह खोद कर निकालना, डाइवल्ज करना, रिवील करना। तो डाइवल मतलब क्या होता है, मेक नोन, रिवील करना, यानी लोग जान सके, ठीक है, मेक नोन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाइवल्ज करना, रिवील करना, ठीक है, डाइवल्ज करना एकदम सच्चाई बताना, ठीक है। तो बोले डिस्क्लोज करना आप बोल सकते हो, डिस्क्लोज करना बोल सकते हो, रिवील करना बोल सकते हो, दो वर्ड अच्छा है। ब्रॉडकास्ट है तो छोड़िए, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, प्रोमलगेट करना, प्रोमलगेट को याद रखिएगा। एक्सपोज करना, अनकवर करना, ये सब याद रखिएगा। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, ये सब में नहीं पढ़िएगा तो कोई भी चलेगा, ठीक है, बाकी सब याद रखिएगा। देखिए नोविस मतलब क्या होता है, नौ सीखिया, जो अभी भी जो है शुरुआत किया, ठीक है। तो नोविस हो गया, अमेच्योर हो गया, नियो फाइट हो गया, टायरो हो गया, फ्लेजलिंग, अप्रेंटिस, मेंटिक याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक नया वर्ड आपके सामने, फ्लेजिंग होगा, फ्लेजलिंग, ठीक है, फ्लेजलिंग, स्पेलिंग के लिए भी और दूसरा मीनिंग के लिए भी। तो फ्लेजलिंग के बारे में आप अच्छे से याद रखिए। अप्रेंटिस, अच्छा एक सवाल इसमें अप्रेंटिस का अलग से पूछता है कि अप्रेंटिस कौन होता है, जो किसी के साथ रहकर काम सीखता है ना उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है, जो किसी के साथ रह के काम सीखता है उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं। देखिए कर्टेल मतलब होता है कम करना, कर्टेल मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है, यानी रिड्यूस करना आप बोल सकते हैं। रिट्रेंच करना नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, याद रखिएगा, रिट्रेंच मतलब क्या होता है, कम करना। देखिए एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मतलब क्या होता है, भूल जाना, ठीक है, भूल ही याद है, ठीक है। द स्टेट ऑफ बींग अनवेयर अनकॉन्सियस ऑफ वाट इज हैपनिंग, ओब्लिवियन, यानी जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ओब्लिवियन बोलेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा एग्जाम्पल, दे ड्रैंक देम सेल्फ इन टू ओब्लिवियन, मतलब वो इतना पी गए कि सीधा भूल ही गए कि आखिर वो है कौन, ठीक है। तो आप इसके सामने जो सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं अनकॉन्सियस, बोल सकते हैं इनसेंसिबिलिटी, स्टूपर अच्छा वर्ड है, पियक्कड़ के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग स्टूपर, ठीक है।
यहाँ तक पता था अस्टूपर, इसमें याद रखिएगा ओब्लिवियन, अस्टूपर, अमनेसिया, अमनेसिया भी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। बाकी कोमा वगैरह कोई दिक्कत नहीं, आप भूल सकते हैं, है ना। देखिए अमनेस्टी और पंच छोड़िए, नर्चर मतलब क्या होता है, मतलब नर्चर मतलब क्या होता है, किसी को बढ़ाना, वृद्धि करना, किसी का पोषित करना, है ना, पालन पोषण करना, नर्चर करना, तरक्की करना, इस सब का ये अर्थ होता है नर्चर करना। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे सामने। ठीक है नर्चर, किधर भाग रही, हाँ, केयर फॉर और इनकरेज द ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, ठीक है, किसी का विकास करना, ब्रिंग का पालन पोषण करना, आपको मालूम होगा फ्रेजल वर्ब याद रखिएगा, टेक केयर ऑफ ए भी ठीक है, अटेंड टू लुक आफ्टर मतलब ये है याद रखना, मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, फीड नॉरिश करना कॉमन वर्ड है जानते हो, इनकरेज करना, प्रमोट करना, स्टिमुलेट करना आपके लिए नया वर्ड हो सकता है याद रखिएगा, फोस्टर मजबूत करना, अच्छा फोस्टर यहाँ भी और फोस्टर यहाँ भी है, ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि यदि सिनोनिम्स में जो सवाल बन रहे होंगे तो उसमें ऐसा हुआ होगा कि नर्चर की जगह एक ऑप्शन में फोस्टर दे दिया गया हो, ठीक है, तो वो उठ के आ गया हो, बाकी क्या हुआ नहीं पता। देखिए अबैट यहाँ पर एक वर्ड है ए बी ई टी अबैट, और एक होता है ए बी ए टी ई अबैट, ठीक है, दोनों का अर्थ याद रखिए, ए बी ई टी अबैट मतलब होता है बढ़ोतरी करना, और ये बी ए टी ई अबैट, अबैट मतलब कमी लाना, ठीक है। अच्छा एक वर्ड होता है अबोट, ए डबल बी ओ टी अबोट, अबोट मतलब होता है, तो जो चर्च में जो पुजारी होता है ना, जो पादरी होता है, उसको अबोट बोलते हैं, तो तीनों वर्ड याद रखिए, ए बी ई टी अबेट, अबेट मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी करना, मजबूत करना, ए बी ए टी मतलब क्या होता है, अबेट, अबेट मतलब कम करना। अच्छा पूछे ए डबल बी ओ टी अबोट मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे जो चर्च का पादरी होता है उसको अबोट बोलेंगे, ठीक है। देखिए फोस्टर मतलब क्या होता है, मजबूत, मजबूर मतलब मजबूत बनाना, मतलब मजबूर बनाना, मैं बोल रहा हूँ इतना गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए फोस्टर मतलब होता है हम मजबूत करना, मजबूत बनाना, ठीक है, तो यानी इनकरेज करना, प्रमोट करना, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, डेवलपमेंट, ठीक है, इनकरेज करना, प्रमोट करना, फर्दर स्टिमुलेट करना, एडवांस करना, अपडेट करना, असिस्ट करना, इंडोर्स करना आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नर्चर करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीज़ आपको याद होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। अच्छा यहाँ से मेरे सामने ना दो सवाल बनते हैं, एसएससी का पूछा गया सवाल है। अच्छा जो एक वर्ड आया था उसी असल में इंटाइस का आया था, इंटाइस है ना, देखिए जो मैं वर्ड बोला रहा हूँ मैं यहाँ लिख नहीं सकता, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ अगर आपको दिखाई दे तो, अप्लाई रहिएगा इनटाइस, इनटाइस और इनसाइट, आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा होगा ना, क्या दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है इनटाइस, इनटाइस मतलब आकर्षित करना, और इनसाइट मतलब क्या होता है, भड़काना, जैसे इतना भड़काना कि सीधा जो है लड़ाई झगड़ा हो जाए, बम बम फूटने लगे, जैसे जो दिल्ली का हादसा हुआ तो वहाँ बोलेंगे इनसाइट हुआ है, और कोई मान लो आपको अट्रैक्ट कर रही है लुभा रही तो बोलेंगे इनटाइस हो रहा है वहाँ, ठीक है। अच्छा इससे एक और वर्ड बनता है इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, ये तीसरा वर्ड है इंस्टिगेट, देखिए इंस्टिगेट आपको सामने दिख रहा है क्या, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, तो इधर से पेज हटाना होगा क्या मुझे, इंस्टिगेट, देखिए इंस्टिगेट मतलब भी क्या होता है, भड़का, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने तीन वर्ड आपके सामने लिखे हैं, ऊपर वाला लिखा है इसका मतलब होता है आकर्षित करना, जो सेकंड वाला वर्ड लिखा था उसमें लिखा था कि किसी को भड़काना इतना कि जैसे बम विस्फोट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, और इंस्टिगेट मतलब होता है इसका भी मतलब होता है भड़काना, लेकिन इसमें क्या होता है कि बम बारूद या लड़ाई झगड़ा नहीं होता, नॉर्मली आप किसी को भड़का देते हैं, जैसे कोई घर में कोई बात कर आ गया और उसको भड़का दिया, तो वह इंस्टिगेट करना होता है, ठीक है। और इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है किसी को इतना भड़काना कि लड़ाई झगड़ा पूछा जाए, तो वो याद रखिएगा, तो कुछ अंतर है, ये सवाल पूछे गए एसएससी के तो आप याद रखिएगा। तो इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, तो मोटिवेट करना अच्छा वर्ड है, स्टिमुलेट करना बिल्कुल अच्छा वर्ड है, इनकरेज करना, इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करना, इंप्रेसिव होता है, इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा वर्ड है, अपलिफ्टिंग, स्टीयरिंग, बाकी देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रॉक्सिमिटी होता है, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, नियरनेस, यानी कोई काम होता है कि स्पेस टाइम और रिलेशनशिप में जो नज़दीकता को दिखाता है ना, उसको प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। देखिए क्लोजनेस बोल सकते हैं, नियरनेस बोल सकते हैं, प्रेजेंट, जस्ट पोजिशन, जस्ट पोजिशन तो कई बार पूछा गया, आपको याद रखना चाहिए कि जस्ट पोजिशन बहुत बार पूछा गया। प्रोपिंग्विटी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बिल्कुल आप याद रखिए इसको, प्रोपिंग्विटी, ठीक है। अच्छा इससे इससे सामने मेरे पास कुछ वर्ड्स आ रहे हैं दिमाग में, आप इन चीज़ों को ना ढूंढिएगा, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे लिए। एक होता है इमिनेंट होता है, इमिनेंट होता है, इमानेंट होता है, ठीक है, तो एक वो इमिनेंट मतलब भी होता है प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो नज़दीक में हो, और इमानेंट मतलब क्या होता है, बड़ा या फेमस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे तो नहीं ना जा रहा हूँ मैं, ओए ओए प्रोग्राम्स करते हो मेरे सामने,
चलिए देखिए, परनीशियस मतलब क्या होता है, जहाँ तक जिसको जानलेवा भी बोलते हैं ना, ठीक है। परनीशियस मतलब क्या होता है, हार्मफुल। ध्यान दीजिएगा, परनीशियस मतलब क्या होता है, हार्मफुल, ठीक है। यानी हार्मफुल बोलिए, डैमेजिंग बोलिए, डिस्ट्रक्टिव बोलिए, इंजरियस बोलिए, डेट्रीमेंटल भी होता है, डिलेट्रियस, ये सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप एक भी नहीं छोड़ सकते अगर आप पढ़ रहे हैं। देखिए इनिमिकल, इनिमिकल का स्पेलिंग रेट संबंधी सवाल बन जाता है कि INIMICAL, इनिमिकल, एक ही एन है, एक ही एम है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, CHSL 2017 का सवाल है, इसमें लिखा था इनोकुअस स्पेलिंग एरर में। देखिए इनिमिकल का INI NN देखा एरर, लेकिन गड़बड़ाना नहीं, इनिमिकल। अच्छा इनोकुअस, CHSL 2017 का सवाल है, इनोकुअस INOCUOUS, इनोकुअस, यानी ठीक है जा रहा है ना, इनोकुअस यहाँ देखकर बोलना पड़ेगा, इनोकुअस, ठीक है। इनोकुअस एन भी एक, सी भी एक, इनोकुअस, इनिमिकल में सिंगल एन सिंगल एम, ठीक है। आदरिये पंजेंट मतलब क्या होता है, तीखा, जैसे मिर्चा का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है, तो बोलेंगे पंजेंट, हैविंग शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल परवेश, अच्छा कुछ वैसा वर्ड है नहीं, सफोकेटिंग स्टिफलिंग, याद रखिएगा, एसिड सोर अच्छा वर्ड है, आपको थोड़ा एग्जाम में दे सकता है ये वर्ड, बर्निंग भी दे सकता है, अस्ट्रिंजेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, अस्ट्रिंजेंट याद रखिएगा, बाकी सोर ये सब तो जानते हैं, स्पाइसी भी आप जानते होंगे, पीक्वेंट, पीक्वेंट पूछा हुआ सवाल है स्पेशली, पीक्वेंट और पेपरी ये दोनों याद रखिएगा, पीक्वेंट पेपरी, यानी पूछेगा पंजेंट का सिनोनिम क्या, तो बोल सकते हैं पीक्वेंट या पेपरी। देखिए स्पूरियस बहुत कॉमन वर्ड है, नकली, यही तो अर्थ होता है स्पूरियस, नॉट बींग वट इज सपोर्ट टू, यानी फॉल्स होना, फेक होना, तो बोगस भोट आप लोग सुने होंगे, फेक सुने, नॉट जेन्युइन, स्पेसियस, फॉल्स, फैक्टिटियस, फैक्टिटियस अच्छा, फैक्टिटियस का स्पेलिंग भी आपको याद रखनी चाहिए, काउंटरफिट बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रोडोलेंट, ये सारे वर्ड ना लिखने जैसे है ना, सारा वर्ड लिखिए अच्छे से लिखिए, देखिए कोई ना कोई सवाल ना SSC की CHSL का एग्जाम में जरूर रिपीट होगा, क्योंकि मिलते जुलते सवाल है ना, रिपीट होना ही होना है, आसान आसान आ रहे हैं, कोई भारी नहीं आ रहा, तो आपको याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। देखिए एक सेपारेट से सवाल पूछा है, अलग करना, डिवाइड करना, कुछ लगा नहीं, ब्लेंड का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ग्रेसियस क्या होता है, जो मानवतावादी लोगों का ध्यान देना, विवेकशील जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, कोरोटियस लिखा हुआ, कोरोटियस बिना पोलाइट, बाकी देख लीजिएगा कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, इनवेल्युएबल, देखिए यहाँ से मैं आपको दो वर्ड समझाता हूँ, एक होता है इनवेल्युएबल और एक होता है इनफ्लामेबल। देखिए वेल्युएबल मतलब क्या होता है, मूल्यवान होता है, वेल्युएबल मतलब क्या होता है, मूल्यवान, और इनवेल्युएबल मतलब समझिए, ये मत समझिएगा कि अब मूल्यवान नहीं रहा, नहीं अब और मूल्यवान हो गया, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। वेल्युएबल मतलब मूल्यवान, लेकिन इन वैल्यूएबल मतलब और मूल्यवान हो गया, इसका अर्थ हुआ बहुमूल्य हो गया, ठीक है। जैसे बाहुबली और महाबली, तो वैल्यूएबल बाहुबली और इन वैल्यूएबल महाबली, ठीक याद रखिएगा। उसी तरह एक वर्ड होता है फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, CHSL का SSC का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल, कम्बस्टिबल इनकम्बस्टिबल, तो फ्लेमेबल मतलब क्या होता है, ज्वलनशील होना, और इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं इनफ्लेमेबल मतलब बोलिएगा ज्वलनशील नहीं रहा, नहीं अब वो और अच्छा से धधकेगा, ठीक है। जैसे पवार जो होता है, जो गाय गाय वगैरह को खिलाते हैं, तो बोलते हैं इनफ्लामेबल हो गया, लेकिन जो हम लोग का कॉपी वगैरह वो भी जलता है, उसको फ्लेमेबल बोल, कोई लकड़ी है तो फ्लेमेबल हो जाएगा, लेकिन उसकी तुलना में हम लोग का कागज क्या हो जाएगा, इनफ्लामेबल हो जाएगा। अच्छा कंबस्टिबल मतलब क्या होता है, जलने वाला, और इनकम्बस्टिबल मतलब क्या होता है, नहीं जलने वाला, समझ रहे। तो 4 से 5 वर्ड मैंने बताए, वीडियो रिपीट कीजिए, सीखिए, बार बार याद कीजिए, है ना। एक सेकेंड दीजिएगा, बैटरी लो हो रहा है, मैं इसको पूरा ठीक कर देता हूँ। ये तो डिस्कस कर चुका हूँ ना, इंडिस्पेसिबल, क्रूशियल, क्रिटिकल, वी वाइटल, इरेस्पेसिबल, ठीक है, एक्सट्रीमली। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या सवाल बने हैं, हम चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि मेरे सामने कौन दिख रहा है, इन वन वर्ड, देखिए जो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सवाल आए ना, सबके डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखे, हालांकि इन सारे वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिछले SSC के एग्जाम में नहीं पूछे गए, ठीक। यानी एक तरह से देखिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ नए वैरायटी वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, नए वैरायटी लेकर आ रहे हैं, तो आपको नए वर्ड के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। देखिए यूटोपिया मतलब क्या होता है, यूटोपिया आप सुना हुआ वर्ड है शायद, एक ऐसी स्थिति जैसे इमेजिनरी दुनिया जिसको बोलते हैं, उसको यूटोपिया बोलते हैं, मॉडल और एमिंग फॉर ए स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट आइडियलिस्टिक, यूटोपिया आइडियलिस्टिक जो असंभव है ना। देखिए हेप्टागन मतलब क्या होता है, जिसमें 7 गो लाइन हो या 7 गो लाइन मिलकर जब एक क्लोज फिगर बनाती है, उसको हेप्टागन बोलते हैं। देखिए लेंट एक अच्छा वर्ड है, लेंट किसको बोलते हैं बताइए, तो लेंट इज सोलेम रिलीजियस ऑब्जर्वेंस इन द क्रिश्चियन लिटर्जिकल कैलेंडर दैट बिगिंस ऑन वेडनेसडे एंड एंड्स इन अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स लेटर ऑन होली सैटरडे, तो पढ़ लीजिएगा ठीक है, कि एक सोलेम जो है रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है क्रिश्चियन में, ठीक है।
लेंट का लेके लेंट के बारे में क्या पढ़ा कि एक जो है रिलीजियस ऑब्जर्वेशन है क्रिश्चियन धर्म का, ठीक है, जो वेडनेसडे को शुरू होता है और सिक्स लेटर तक चलता रहता है। ठीक, एक सामने बस्ट्रोफेडन, क्या था वर्ड था, बस्ट्रोफेडन, ठीक है। तो बस्ट्रोफेडन क्या होता है, तो अब देखिए आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि जो लिखावट थी वो कुछ सांप जैसी थी, है ना, मैं छाप नहीं पा रहा हूँ, है ना, कुछ सांप थी, मतलब आइस कैसे समझाऊँ मैं, यहाँ पर ये माउस मेरा चल रहा है क्या, नहीं चल रहा होगा, मैं माउस नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं एक बार छाप कर देखता हूँ, अगर छापा जाता है तो। जो ये बस्ट्रोफोबिया होती है ना, कुछ इस प्रकार की राइटिंग होती है, ठीक है। नहीं, तीसरा नहीं, इधर आवाज सुनाई जबरदस्ती, तो कुछ इस प्रकार की राइटिंग होती है, जब आप इधर लिखते हैं फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इसको बस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बस्ट्रोफोबिया, याद रखिएगा। तो बस्ट्रोफोबिया इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग मोस्टली सीन इन एंशियंट, ठीक है, ध्यान से देखिए कि बस्ट्रोफोबिया एक तरह का राइटिंग है, ठीक है, इन एन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट और इनस्क्रिप्ट इन विच अल्टरनेट लाइन्स ऑफ राइटिंग आर फ्लिप्ड रिवर्स और विद रिवर्स लेटर। तो याद रखिएगा क्या होता है, देखिए पोलियटी बहुत कॉमन वर्ड है, ये जानते होंगे कि पोलियटी मतलब क्या होता है कि कम करना, ठीक है, कम करना, आराम देना। देखिए आप इसको दो तरह समझिए, या तो दर्द को ही आराम देगा या फिर जो राहत है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, याद हुआ, या तो दर्द को आराम देगा या फिर जो राहत है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसको पोलियटिव बोलेंगे, ठीक है। दोनों तरह से एसएससी पूछ सकता है आपसे, तो दोनों की तैयारी। देखिए इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल बारे में मैंने अभी बताया था कि दैट डज नॉट बर्न, कम्बस्टिबल मतलब जलेगा, इनकम्बस्टिबल मतलब नहीं जलेगा। अच्छा इनफ्लामेबल, इनफ्लामेबल मतलब मैंने अभी बताया था कि फ्लामेबल मतलब यह जलेगा, इनफ्लामेबल मतलब जरूर जलेगा, जैसे लकड़ी है फ्लामेबल हो गया, लेकिन लकड़ी से बना कागज है इनफ्लामेबल हो गया, यानी बहुत तेजी से जलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक्सपीएट मतलब पछतावा करना, बहुत कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे कि एक्सपीएट मतलब क्या होता है, पछतावा करना, कुछ गलती करते हैं आप उसके लिए पछतावा करते हैं। फेटलिस्ट जानते हैं, भाग्यवादी को बोलते हैं। देखिए कुछ ईडियम्स के बारे में देखते हैं कि ईडियम्स कौन कौन से पूछे गए हैं, और जो मैं यहाँ ईडियम्स ले रहा हूँ उससे मिलते जुलते सारे ईडियम्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब हाथ जूता सब ले लेना भाई, मतलब क्या हो गया, बहुत ससरा ज़्यादा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा होना, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा होना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना अप इन आर्म्स, किसी को ना आर्म्स से, देखिए जैसे इस औरत को देखिए हाथ को उठा करके क्या कर रही है, इसको बोले अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अप इन आर्म्स, मतलब गुस्सा हो जाएगा, तो अब भी जल्दी से सब्सक्राइब ठोको, ठीक है। एंग्री अबाउट समथिंग, ठीक है, एंग्री अबाउट, अप इन आर्म्स मतलब क्या जाएगा, एंग्री अबाउट समथिंग। देखिए विथ ओपन आर्म, खुले हाथ से, जैसे कोई घर में मेहमान आता है बोलते आइए आइए, गले मिलते नहीं सरा, तो विथ ओपन आर्म मतलब एक्सेप्ट करना, ग्रीट करना, वेलकम करना। देखिए एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स मतलब एक एक दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो वो इससे फिट बैठेगा। एट आर्म्स लेंथ मतलब क्या होता है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये भी मुझे याद ही आ रही होती, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टू स्टैंड विथ आर्म्स अकिम्बो, ठीक है, अच्छा अकिम्बो आप नहीं समझो, अकिम्बो जैसे हम लोग का जो कमर होता है ना, वहाँ से कहीं भी खेल खेल के आए होंगे और थक गए होंगे तो दोनों हाथ पकड़ के जो है इस तरह बैठ गए होंगे, है ना, खड़ा हो गए होंगे, तो टू स्टैंड विथ आर्म्स अकिम्बो मतलब क्या होता है, टू स्टैंड विथ ईच फिस्ट ऑन हिप्स ऑन, ठीक, ठीक है, या राइट आर्म मतलब द मेन सपोर्ट, जैसे बोलते हैं ना कि आपने वो मूवी देखी होगी एक्शन जैक्सन अजय देवगन की, जिसमें वो जो होता है गुंडा वो बोलता है कि ही इज माई लेफ्ट आर्म, मेरा बायां लेफ्ट आर्म, ठीक है, तो यहाँ राइट आर्म लिखा हुआ है मेन सपोर्टर, ठीक है। वन शुड गिव वन राइट, चलिए छोड़िए मैं आपको ज़्यादा सब डिस्कस नहीं करता, ज़्यादा लंबा जाने जरूरत नहीं है। टू चांस वन सा मतलब टू टेक बिग रिस्क, ठीक है, चांस वन सा, चलो देख लेते हैं क्या होता है ना, टेक बिग रिस्क, जैसे होता है ना कि जुआ खेलने जाता है तो हाथ से, चलो एक देख लेते हैं टिप की होता है, आजकल का नया बच्चा लोग को मोबाइल दे दीजिए, टिप के देखेगा क्या हो रहा है, चांस करेगा, कितना बड़ा रिस्क में डालेगा नहीं पता। देखिए पुल समवन्स लेग, किसी का ना पैर खींचे, जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी का पैर खींचते थे तो बगल वाला क्या करता था, हंसने लगता था, है ना, तो पुल समवन्स लेग मतलब क्या होता है, प्ले ए जोक, किसी के साथ मजाक करना, ठीक है। टॉक द हिंड लेग ऑफ ए डंकी, ठीक है, मतलब बात ही करना, आप गधा के बारे में क्या बात करोगे, इंडलेसली, है ना, कभी रुकोगे नहीं। इट लॉगर सेट, बिल्कुल देखिएगा ऐसी है, जैसा इसको रिपीट करेगी किसी ना किसी एग्जाम में से, जैसा लॉगर हेड के बारे में पूछेगी, टू बी इन कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट, किसी के साथ हमेशा विवाद में होना, एट लॉगर हेड्स, ठीक है। देखिए ऑन सीट्स छोड़िए सबको, स्ट्रेंच वंस लेग, ठीक है, यानी पैर को खींचना मतलब एक्सरसाइज करना, आदर किया, पुट समवन से, अभी बताया मैंने, लेग ऑफ ए डंकी वेरी टॉकटिव होना, ठीक है, लेग ऑफ ए डंकी वेरी टॉकटिव होना। देखिए चलिए ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है, अननेसेसरी मतलब
एक ऐसा लाभ जिसकी आप उम्मीद ना की हो लेकिन आपको मिला हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ड है वंस इन ए ब्लू मून रेयरली, है ना, वंस इन, आप जानते हो गए। चलिए देखते हैं, टू ब्लू वंस मनी मतलब क्या होता है, स्पेंड मनी वाइल्डली यानी पैसे को उड़ाना। जैसे मान लीजिए कई जो ये यूरोपियन इसको समझने की कोशिश, यूरोपियन लोग क्या होते हैं, जब पैसा होता है तो ज़्यादा एकदम समुद्र के बीच के किनारे एकदम पैसा पूरा मौज मस्ती करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, जो ब्लू के किनारे अपना मनी को क्या करते हैं, वो स्पेंड करते हैं। ब्लू के किनारे यानी जो समुद्र के किनारे क्या करते हैं, मनी को स्पेंड करते हैं। ठीक है, देखिए लुक और फील ब्लू मतलब क्या होता है, डिप्रेस होना, हेल्थ खराब होना, नाराज होना। ठीक है, याद रखिएगा वंस इन ए बियर मून रेयरली होता है, आप जानते हैं कि देखिए टू अपियर आउट ऑफ दी, देखिए यहाँ पर जो ब्लू वर्ड है ना, जो मेरा ख्याल से जो ब्लू वर्ड है, वहाँ ब्लू जो है स्काई को डिनोट करता है। इसका ओरिजिन बात करें तो ब्लू किसको डिनोट करता है, स्काई को। तो स्काई से आप तुरंत अपियर होना मतलब क्या बोलेंगे, अराइव अनएक्सपेक्टेडली, जैसे बरसात होती है, वर्षा होती है तो बोलेंगे अराइव अनएक्सपेक्टेडली। जैसे या बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जरूरत नहीं है बताने की। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है कि मेक द एयर टर्न ब्लू। ठीक है, मेक द एयर टर्न ब्लू। अब इस चीज़ को ना समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने रामायण देखी, अरे आपने महाभारत देखा होगा, जिसमें जो पितामह भीष्म होते हैं जो प्रतिज्ञा जब लेते हैं कि मैं आजीवन आजीवन जो है जो शासन व्यवस्था है उसका सेवा करूंगा, कभी पद का लालच नहीं करूंगा। तो एक तरह से भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं ना, भीष्म प्रतिज्ञा, तो देखा होगा आसमान में गजब की कड़कड़ाहट शुरू हो जाती है ना। तो वही बोलते हैं कि मेक द एयर टर्न ब्लू, कि पूरा आसमान में जो है ना गड़गड़ाहट शुरू हो जाना। इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉमिस एकदम गुस्सा में ले लेना, जैसे अर्जुन था तो वो प्रॉमिस से गुस्सा ले लिया था ना कि या संध्या तक जो है उसका वध कर दूंगा, कुछ ऐसा है ना। देखिए लिखा हुआ है ब्लू स्टॉकिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस औरत को आप देख रहे होंगे, ये ब्लू रंग का जो स्टॉकिंग मतलब मोजा होता है, स्टॉकिंग मतलब क्या होता है, मोजा होता है। तो ये जो ब्लू औरत को देख रहे हैं ये मोजा पहनी हुई है, तो ब्लू स्टॉकिंग वैसी वुमेन को कहते हैं ना जो पढ़ने लिखने में उसको बहुत अच्छा लगता है। देखिए कोई भी आजकल की लड़की वगैरह जो पढ़ने जाती है तो वो मोजा जरूर पहन के जाती है। ठीक है, मतलब स्टॉक पहन के जरूर जाती है, स्टॉकिंग। तो भी ब्लू स्टॉकिंग मतलब एक ऐसे वुमेन की बात की जा रही है जिसको लर्निंग, पढ़ने में इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी ब्लू ब्लड कल ही का सवाल है पूछा हुआ है कि ऑफ नोबेल मतलब एक नोबेल परिवार से आना, एक ब्लू आई बॉय मतलब क्या होता है कि एक यंग मैन, आप याद रखिएगा कि दोनों में अंतर है। ब्लू ब्लड बोले तो नोबेल फैमिली से, अरे ब्लू आई बोले तो एक यंग मैन को बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, टू कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, ग्रेटर इम्यूनिटी में होना। ठीक है, कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी में होना। ठीक है, या नाराज होना, वो भी बोल सकते, पोर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाल देना मतलब क्या होता है, जो प्लान होता है उसको खत्म करना। ठीक है, मतलब फाइंड फॉल्ट विद द डिस्पैच करना, किसी को में गलतियाँ ढूंढना या फिर किसी को सताना, तंग करना। या कोल्ड फिश मतलब क्या होता है, अनफीलिंग पर्सन, याद रखिएगा। गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, किसी की मदद नहीं करना। या कोल्ड वार मतलब क्या होता है, डिप्लोमेटिक वार। कोल्ड वार मतलब क्या होता है, आजकल न्यूज़पेपर में भी सुनते हो कि कोल्ड वार क्या, डिप्लोमेटिक वार। जैसे कोई आपका विदेश का सामान पर टैक्स बढ़ा दिया तो आप भी बढ़ा दीजिए, उसको बोलते हैं। ठीक है, इट रन्स इन द ब्लड, इनहेरिटेड, याद रखिएगा। फ्लेश एंड ब्लड मतलब क्या होता है, वुमन्स होता है। वंस ओन फ्लैश एंड ब्लड छोड़िए सब, टू स्वीट ब्लड मतलब टू वर्क मतलब बहुत अच्छी मेहनत करना। ब्लड इज थीकर देन वाटर मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन है वो कमजोर है। रिलेशन क्या है इसका मतलब, कमजोर है। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले एमटीएस 2019 का सवाल है, ओबियसली सीएचएसएल में भी पूछा है, रिपीट किया है सवाल, मतलब आसान का। ठीक है, चाइल्ड प्ले समथिंग इजी। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे सवाल है देख लेते हैं कि स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड मतलब विदाउट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है, ये ब्रेन चाइल्ड मतलब ये ओरिजिनल आइडिया। ठीक है, ब्रेन चाइल्ड, टू गेट योर डक्स इन एरो, अरेंज करना, टू गेट योर डक्स इन एरो मतलब जो डक्स होते हैं उसको अरेंज करना। ठीक है, देखिए वाटर ऑफ ए डक्स बेड, बैक मतलब क्या होता है, पीट हो गया। ठीक है, मतलब हो जाता है विदाउट मेकिंग द स्लाइटेस्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड में ले रहा हूँ, आप इसको आराम से अच्छे से याद रख लिया। देखिए एक ए लैम डक पूछा हुआ सवाल है कि वैसे पर्सन जो इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, देखिए प्ले डक्स एंड ड्रक पूछा हुआ सवाल है, बोलेंगे कि जो अपना मनी को बर्बाद करता है। ठीक है, या पेयर ऑफ डक्स कोई जरूरत नहीं है, टू स्कोर इन आइदर। ठीक है, टू नो स्कोर इन आइदर मतलब दोनों पक्ष में, मतलब जिधर से ये देश भी खेला तो वो भी कोई अच्छा स्कोर नहीं किया, ये भी कुछ स्कोर नहीं किया। ठीक है, बाकी वर्ड स्पेलिंग में ध्यान रखिए कि परस्यू से एक सवाल पूछा गया था, यू यू दोनों में होता है, तो कुछ वर्ड ऐसे देख लेते हैं जिसमें यू यू आता है, जैसे ग्रैंड्योर, परस्यूट हो गया, ग्रैंड्योर में ई यू आर आता है, फ्यूरर आप याद रखिएगा एफ यू आर वो आर होता है, परस्यू याद रखिएगा मर्डर, ई आर याद रखिएगा ई आर होता है, ब्यूरियो में याद रखिएगा कि ई ए यू होता है, लग्जरी यू यू होता है, सल्फर यू यू होता है, यू यू। बर्गर में बर्गर ऑब्वियसली आपको याद रखनी चाहिए, बहुत बार खाए होंगे, लग्जरी सफर, अरोरा याद रखिएगा, योगर्ट, टर्टल, बर्नर, सर्जरी बहुत अच्छा वर्ड है, पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में।
है, मरकरी, अच्छा वर्ड है, यूरिनारी, देखिए यूरिनरी मत पढ़िए, यूरिनारी पढ़िएगा, गलत पढ़ने बोल रहा हूँ मैं, जानबूझ कर गलत पढ़ने बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। लिटर्जी बोल, गलर बोल सकते हैं, काउंटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक आर्मर से भी सवाल था, एक एक्सीडेंटल से सवाल था, तो ये दोनों स्पेलिंग एरर में पूछे गए, आप इनको याद रखिएगा। देखिए कुछ ऐसे सवाल जैसे एक्सीडेंटल का भी मेरे सामने आया था, ठीक है। एक्सीडेंटल का देखना आपने कि यहाँ डबल सी लगा हुआ है, तो कुछ ऐसे वर्ड डिस्कस करते हैं जिसमें डबल सी लगा होता है, ठीक है। देखिए किधर गया भाई, देखिए अरे मास्क ज़्यादा घूम रहा है। देखिए एकोलेड हो गया, एकोलेड याद रखिएगा, ठीक है। कोकविड याद रखिएगा, ओकेजन याद रखिएगा, डबल सी होता है। एक्सेप्ट, सोकर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, सोकर, एसेंट, ओक्यूपाई, एकॉर्ड करना, एक्यूज करना पूछा हुआ सवाल है, सक्सेस बहुत बार पूछा गया, ओकल्ट भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, सोकर याद रखिएगा, सोकर, ठीक है। सोकर हो गया, ये सोकर हो गया, दोनों स्पेलिंग। हिकअप, हिकअप नहीं पूछा गया है, बाकी एक्लेम पूछा गया सवाल है, फ्लैसिड भी पूछा गया सवाल है, और सकर, ये स्पेलिंग याद रखिए, एस यू डबल सी वो यू आर सकर, ठीक है। यहाँ सोकर है, सकर है, तीनों वर्ड है, तीनों याद रखिएगा, बाकी अकाउंट भी याद रखिएगा, अकाउंट भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए पेकोरी, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, आप भूल सकते हैं। देखिए प्रोफेशनल एक अच्छा स्पेलिंग सवाल पूछा गया था जिसमें डबल एस या डबल एफ होगा, इस चीज़ को डिस्कस करना था, तो सिंगल एफ होता है, डबल एस होता है। तो चलिए यूनिवर्स वर्डों को देखते हैं जिसमें डबल एस होता है, तो अभ्यास याद रखिएगा, अभ्यास एक्सेसोरी याद रखिएगा, एक्सेसोरी। देखिए मैं स्पेलिंग जानबूझ कर गलत पढ़ने के लिए बोलता हूँ ताकि आप उसके स्पेलिंग को अच्छे से समझ सके। एड्रेस, एड्रेस भी पूछा गया सवाल, शायद कल ही का सवाल था, एड्रेस कल का सवाल था, है ना। देखिए बार बार रिवाइज कीजिए, आद होता है ना, एड्रेस कल का पूछा हुआ सवाल था, आदि पढ़ के जाते तो बना देते हैं। तो अलाइसम, अमास पूछा हुआ सवाल है, बाकी कुछ नहीं, प्रेशर भी पूछा हुआ सवाल, प्रेशर में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि वो आर ई होगा, ए आर ई होगा, कुछ हो क्या होगा, ठीक है। एसोल्ट करना आपको याद होगा, आसवेज कर, ब्लूसम भी पूछा हुआ सवाल है, खेलना कि डबल वो होता है, कुछ और नहीं था, ब्लूसम। कारकास भी पूछा हुआ सवाल है, कॉम्पास भी पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। कोसेट भी पूछा हुआ, अच्छा कैसेट भी अच्छा सवाल है, कैसेट जो हम लोग डिस्क वगैरह में लगाते हैं ना, कैसेट, सी ए डबल एस सी डबल टी कैसेट। और एक प्रोफेशन तो खैर 2021 में पूछा गया सवाल, ठीक है। एक वर्ड पूछा गया था फैसिनेशन से, ठीक है, एक वर्ड किसे पूछा गया था फैसिनेशन से, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करूँ छोटा करूँ, ठीक है। देखिए आगे फैसिनेशन से एक सवाल पूछा गया था जिसमें देख रहे होंगे सबसे बड़ा दिक्कत आपके सामने होगा कि सी एस होगा कि एस सी होगा कि सिर्फ सी होगा कि यस होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सी एस से रिलेटेड सवाल बनते हैं, अच्छा कौन कौन से सवाल बने वो भी देखते। देखिए एक सवाल निगोसिएशन बना था 2018 के सी जी एल में, निगोसिएशन जिसमें दिया था कि टी की जगह यहाँ आना के सी दे दे, याद रखिएगा। देखिए कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, तो यहाँ कॉम्प्लेसेंट में जो है सी है ना, वहाँ यस सी दे दिया था जो गलत था, सी जी एल 2018 का सवाल, याद रखिएगा कि यस सी ना होगा सिर्फ सी, ठीक है, ये दोनों गलत है। देखिए आईडीओसी में आईडीओसी ये वाला सही है आपके सामने, जॉन्डिस में सी होता है, आईडीओसाइन क्रेसी सी आर ई एस वाई होता है। सेंसर याद रखिए, कैप्रिसियस आदि, हाइपोक्रेसिया, एंटीसेप्टिक याद रखिए, कौनसेलर याद रखिए, डिमाइस याद रखिए, स्कारसिटी, सुपरसीड, अपसेस, ये सब वर्ड याद रखिए, काम देगा, पूछेगा। देखिए सीजल 2017 का सवाल था हाइपोक्राइसी, तो सी आर आई एस वाई होता है, सी आर आई सी वाई नहीं होता है, एस वाई होता है, ठीक है, क्रेसी। देखिए एक अच्छा, एक थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं आप, कुछ और सोच सकते हैं क्या इसमें, नहीं कुछ भी मत सोचिए, सीधा याद रखिए, है ना, ज़्यादा मदद करेगा। देखिए अनवेरिड ये भी पूछा हुआ सवाल था, सेम फ्रेश ने भी पूछा था, ईरर से अच्छे सवाल बन रहे। देखिए ईरर से एक सवाल बना था कि हॉर्स के बाद हु होगा या हॉर्स के बाद विच होगा, यही ईरर सवाल था, तो आपको बिल्कुल हॉर्स के पहले हु जो होता है उस सब्जेक्ट के लिए आता है, ह्यूमन के लिए आता है हमेशा, एनिमल के लिए नहीं आता है। तो एनिमल के लिए यदि आपको प्रयोग करना है तो विच के जगह हो की जगह आपको विच का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा एक सवाल हो टू से बन रहा है कि कल भी टू से और सो से सवाल आया था, आज भी टू और सो से सवाल आया, तो बिल्कुल टू टू होता है, आई एम टू गुड टू राइट, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक एंकियस से सवाल बना था, है ना, एंकियस, तो एंकियस अबाउट होता है, एंगजाइटी फोर होता है, एंगजाइटी फोर, एंकियस फोर सेफ्टी, चिंता करना, एंकियस अबाउट समथिंग, तो ये कुछ प्रीपोजिशन है आप लोग याद रखिएगा कि एंगजाइटी फोर होता है, एंकियस फोर सेफ्टी होता है, एंकियस अबाउट समथिंग होता है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए चिंतित होना, किसी की सुरक्षा के लिए चिंतित होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ सेंटेंस रिलेटेड सवाल था जहाँ पर था कि अलोंग विद से रिलेटेड सवाल था, याद रखिएगा कि कपल वेट टुगेदर, ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ जो होता है हम लोग सिंगल वर्ड लेते हैं जो शुरू वाला होता है, जैसे आई एज वेल एज राम इज गुड, तो आई के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। देखिए इफ से रिलेटेड सवाल था, इफ से रिलेटेड सवाल था, इफ और इधर क्या होगा, विल लगेगा, वुड लगेगा, वुड एब लगेगा, आखिर क्या लगेगा, तो उससे रिलेटेड भी एक सवाल बना है। तो देखिए इसमें मैं ट्रिक लिखा हूँ और ये
याद रखिएगा कि यदि इधर सिर्फ भर वन का फॉर्मेट है तो इधर भी सिर्फ ई वन लगेगा, इधर भी यदि वी टू का फॉर्मेट है तो इधर भी सिर्फ वी टू यानी सिर्फ उड लगेगा, और इधर यहाँ वी थ्री है तो यहाँ पर उड हैव प्लस वी थ्री लगेगा। देखिए इसमें अच्छा ट्रिक होता है 1 1 2 2 3 3, 1 1 मतलब इधर भी वी वन उधर भी, इधर भी वी टू उधर भी वी टू, यानी इधर हेड है तो उधर क्या सिर्फ उड होगा। मान लीजिए वी थ्री वी थ्री मतलब इधर भी वी थ्री का कोनो वर्ड होगा और उधर भी वी थ्री का कोनो वर्ड होगा, याद रखिएगा। देखिए क्लोज टेस्ट से सवाल ऑस्कर अवार्ड से बना था और को एजुकेशन से बना था। अच्छा कल कल कौन कौन सवाल बना था? तो कल जो सवाल बना था वो एक हेलीफेंट से बना था, इन्वायरमेंट से बना था, तो ऐसा कुछ क्लोज टेस्ट बना था, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, कुछ जरूरी लिंक्स हैं हमारे, आप देख लीजिएगा, जो भी आपकी काम की लगे कि मुझे ये चीज़ मेरा कमज़ोर है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बाकी ये सारे भी लिंक है आपको मिल जाएंगे। तो इतना पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि जो पेपर है उसमें सिर्फ हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, और इतने पेपर को पढ़ने के बाद जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो यही निकाल पा रहा हूँ कि कुछ ही वर्ड हैं जो नए नए पूछे जा रहे हैं, बाकी सारे वर्ड बहुत आसान हैं। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, हमारी पीडीएफ से जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, आप उस सारी चीज़ों को सीखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लास्टली एंड करने से पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, हाँ इस वक्त कोरोना का लहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, अच्छे से साथ रहें, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, ठीक है, धन्यवाद।